हेलो दोस्तों, यार पिछला जो स्ट्रीमिंग शुरू करी थी पहला पार्ट, बीच में ही इंटरनेट बंद हो गया। पता नहीं मेरे बच्चों ने तार हिला दी, क्या किया भाई, सारा कबाड़ा हो गया। तो मैंने ये दूसरा पार्ट बनाया, मतलब उसी टाइम मैं दूसरी स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ID3 फाइल, और भाई एक मिनट जरा, ID3 फाइल और XML फाइल को आपने एडिटिंग करना है, और उसके अंदर मूविंग पार्ट के अंदर वर्क एरिया। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यार मैं लगता है पहले पार्ट में गड़बड़ हो गई, एक मिनट। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने पीस यहाँ पर जाता हूँ और इसको कर दूंगा डाउन। ठीक है, तो ये हो गया जियांट एडिटर, आपने अगर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ओपन करेंगे कॉन्डर, ये अमेजन कॉन्डर है सीडर, जिसके साथ मैं अभी हैम्प लगा रहा हूँ अपने खेत के अंदर, आपने वीडियो देखा होगा। तो ये है इसका मेन, तो आप इसको आल्ट और माउस से ऐसे घुमा सकते हो। तो मेन कंपोनेंट में जाएंगे भाई, और कॉन्डोर के अंदर मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट के अंदर हमें ढूंढना है वर्क एरिया। तो इसके अंदर आप खोल लोगे इसको, देखो ये इसके अंदर ही मिल गया। अगर इसमें नहीं मिलता तो इसके अंदर होगा, किसी ना किसी में तो ज़रूर होगा। तो वैसे तो ये मूविंग पार्ट है, जो पीछे मूविंग पार्ट है इसका, इसमें जाके इसकी विड्थ और हाइट, हमें विड्थ हाइट दोनों बढ़ानी है। अगर आप ये विड्थ इसकी है -7, अगर आप इसको कर दोगे 70, तो ये इधर को 70 मीटर हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, उधर ये उधर को 70 मीटर लंबा हो गया, और इधर को हाइट अगर कर देंगे हम 70, तो ये 70 इधर को, तो जैसे ये सीडिंग करेगा तो 70 140 मीटर का हो गया। ये 140 प्लस जो बीच में 15 है, 15 मीटर बीच में भी है, 14-15 मीटर का ये है, तो टोटल इसकी मतलब 150 मीटर का ये हो गया। तो आप ऐसे इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हो जितना आपको ये चाहिए। अरे यार एक मिनट, ठीक है, अगर आपको ये और बड़ा चाहिए बहुत, जितना इसको आप जितना मर्जी कर लो, इस माइनस को नहीं हटाना, माइनस हटाओगे तो वो हाइट में चला जाएगा। तो इसको 70 की जगह 700 कर सकते हो, इसको भी 700 कर सकते हो, तो ये भाई 1500 मीटर का। मैंने कह रहा था, मैंने इसको करा था 500 का, तो इसने 500 इधर 500 इधर करा था। तो ये तो हो गया इसका सीडिंग का। अब इसकी बढ़ानी है कैपेसिटी, जो इसके अंदर सीड, और यार शोर में बचाओ ना, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। तो ये तो हो गया इसका सीडिंग का। तो अब हमें बढ़ानी सी कैपेसिटी, इसको हम कर देंगे फाइल को सेव, तो वहां पर लेकिन पहले बैकअप ले लेना, अगर आपको मैंने पहले बताया था बैकअप लेके रखना अगर बाई चांस को दिक्कत होती है। एक मिनट यार, तो ये हो गया हमारा 1500 मीटर का, आपको जितना करना है 1500, यहाँ पे इसमें जाके ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है। तो इसको जाके आप 200-100 जितना आपको बढ़ाना है उतना कर लो। विड्थ में जाके आप माइनस को नहीं हटाओगे, इसको जाके आप 100, अगर इधर 100 रखा है तो उधर भी 100 रखना, ताकि बराबर काम करे। ये नहीं इधर 100 कर दिया उधर 200 कर दिया, ये नहीं चलेगा, ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी। तो इसको आप यहाँ से इसकी रेंज बढ़ा सकते हो, इसको कर देंगे सेव, तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं इसको अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको नॉर्मल जो है वही रखूँगा, सेव करके ये वहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हमें बढ़ानी है इसकी फाइल, तो इसको खोल के जहाँ पर आपकी वो काउंटर का फोल्डर है, डाटा फार्मेसीमीटर के अंदर डाटा और व्हीकल्स, इसके अंदर अमेजोन में हमारा है काउंटर, इसकी फाइल है ये मेन XML। तो मैंने आपको बताया था कि आप नोटपैड खोल लेंगे अपना, ये इसको मैं एक बार बंद कर दूंगा, कोई भी फाइल खुली हुई है नो। तो इस काउंटर को उठा के इसके अंदर यहाँ तो ओपन कर लो, यहाँ से ओपन करके, नहीं तो फिर ऐसे उठा के इसका ये हो गया टाइटल। ठीक है, आप इसका टाइटल बदल सकते हो कुछ भी, जैसे कि माई 1 मिलियन सीडर, जो भी नाम आपको करना है। सॉरी यार कहाँ चला गया, ठीक है ठीक है, इसमें आपको नाम जो भी देना है आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो। ये 270 नीड पावर, इसको कितनी पावर का ट्रैक्टर चाहिए, 270 का आपको, देखो 270 को आप 100 कर सकते हो, इसको आप 0 भी कर सकते हो, कोई भी इसको ट्रैक्टर खींच लेगा, छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी। तो ये हो गया 270, तो इसको आप कर दोगे 10 या जो भी आपको करना है, आप मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर सकते हो। इसकी वर्किंग विड्थ
अब ये हो गई इसका, ये है 15 मीटर का, तो ये सिर्फ दिखाएगा वहां पे, जब आप इसको खरीदोगे स्टोर में तो ये दिखाएगा कि 15 मीटर का है, तो आप इसको कर दोगे जितना आपने करा है। बाई चांस आपने अगर 1000 मीटर करे तो आप यहाँ पे 1000 कर दोगे, ठीक है, तो ये दिखाएगा कि वहां पे 1000 मीटर है। यार यहाँ पे एक फुंसी सी हो गई क्या यार, दाना सा हो गया यार, पता नहीं कैसे वहां पे जलन हो रही है। तो ये आप इसकी वर्किंग विड्थ बढ़ा दोगे। अब हमें इसकी बढ़ानी कैपेसिटी, तो हम जाके ढूंढेंगे इसमें कैपेसिटी, 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 इसको कैपेसिटी को सर्च कर लेंगे। ये इसमें दो हैं, ये फर्टिलाइजिंग भी करता है, सीडिंग भी करता है, तो हम ये हैं सीड, सीड की कैपेसिटी अभी है 5000। तो भाई इस 5000 को आपको जितना भी करना है इसको, सॉरी इसको आप कर दो, अरे यार इसको आप 50000 कर लो, 5 लाख कर लो, 50, 5 करोड़ कर लो, 10 करोड़ कर लो, और 50 अरब कर लो, जितना 500 अरब कर लो, जितना आपकी मर्जी उतना कर लो, ठीक है, इसको बढ़ा के। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अपडेट मास, एम बड़ा अपडेट, एम बड़ा मास इक्वल टू कॉलन कॉलन फॉल्स, ये हो गया अपडेट मास। अपडेट मास इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है, अगर आप इसकी कैपेसिटी 5000 से 50000 कर दोगे तो वो कोई भी ट्रैक्टर उसको खींच नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी उसके अंदर माल बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, उसके पहिए दब जाएंगे, उसके पहिए दब जाएंगे तो वो चलेगा नहीं, तो उसको फिर ट्रैक्टर चाहिए होगा बहुत तगड़ा जो उसको खींच सके। लेकिन इस अपडेट मास के लिखने से वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो नॉर्मल है, यानी कि उसको कोई भी ट्रैक्टर आराम से खींच लेगा। ऐसी नीचे आना है फर्टिलाइजर, इसको भी इसकी कैपेसिटी अभी 3000 है, इसको कर लेंगे 3 लाख। ये है हमारा फर्टिलाइजर, इसके अंदर भी उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, यहाँ यहाँ पर लिख दो अपडेट, अपडेट छोटा रनिंग लेटर में और एम बड़ा मास ऐसे इजिकल टू कॉलन कॉलन, और इसके बीच में लिखना है फॉल्स, अपडेट मास मतलब क्या, उसके अंदर, उसके अंदर मास बहुत ज्यादा सामान भी डला हुआ है तो वो नहीं लेगा, ये फॉल्स गलत हो गया यार, एक मिनट, FALSE, ठीक है। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना, अपडेट मास सब में करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तब वो कोई ट्रैक्टर उसको खींच नहीं पाएगा। तो ID फाइल करनी है, .3 ID मैंने आपको बताई अभी उसके एडिटर के अंदर और नोट पैड के अंदर, इसलिए क्योंकि इसमें आपको सारा ये नीला रा ये सब नजर आएगा। अगर भाई इसको ऐसे ही खोल लेंगे काली काली सी तो कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, ठीक है ना। तो इसको यार एक मिनट, भाई ठंड सी लग गई, तो अपडेट मास्क कर लेना और कैपेसिटी बढ़ा लेना जितनी आपको चाहिए, और इसको कर देना सेव, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे और इसको कर देंगे बंद। और इस फाइल को मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे कॉपी किया था, तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हो, तो इसको हमने अपडेट कर दिया, तो ये आप सेव, डायरेक्ट सेव कर लो, यहाँ पहले इसको उठा के आप यहाँ ले आओ डेस्कटॉप पे, फिर इसको एडिट कर लो, फिर वहाँ पे जाकर रिप्लेस कर दो, मतलब हमें किसी भी तरह उस फाइल को इसको एडिट करना है, आप यहाँ से कर लो डेस्कटॉप पे पहले ले आके, यहाँ से कर लो आपकी मर्जी। और एक इसको करना है ID 3, मैंने अभी आपको दोनों फाइलें बता दी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये होगी हमारी गेम के अंदर जो फाइलें हैं। अब हमें मोड कैसे करना है, मोड किसी मोड को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट में जाएंगे और माई गेम फार्मी सिम्युलेटर मोड्स, मैंने अभी एक ट्रेलर करा था जिसकी कैपेसिटी मैंने करी थी 10 मिलियन की, तो वो ये है एग्रोलाइनर TOW 30, तो ये मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, ये रहा, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसको, ये इसकी एक फाइल है मोड डिस्क्रिप्शन, ये कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देंगे। इसकी मेन फाइल है XML फाइल, इसको बढ़ाना है, इसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। नोट पैड खोलेंगे अपना भाई और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, ये लिखा हुआ ऊपर इसका टाइटल इंग्लिश में, तो इसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, स्टार्स गेमिंग 10 मिलियन का ट्रेलर, ठीक है, ये आपने टाइटल चेंज कर दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर देना। ये होगी इसकी प्राइस, प्राइस आप 0 कर लो, 1 कर लो, 10 कर लो, जितनी आपकी मर्जी,
तो इसको कर देंगे $1, तो $1 का मिलेगा। इसमें भी करनी है कैपेसिटी, तो ये इसमें कंट्रोल एफ करके आप सर्च कर लेना कैपेसिटी, तो ये दिखा रहा है फिल टाइप कैटेगरी बल्क, तो ये बल्क में इतना सामान लेगा, कैपेसिटी है इसकी अभी 1 मिलियन, तो इसको हम कर देंगे 10 मिलियन, इतना 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 जितना मर्जी 100 अरब खरब जितना भी कर लो। और इसके आगे भी अपडेट मास्क ज़रूर लिखना, ये नहीं लिखा होता, ये ऐसे होती है फाइल, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो कोई ट्रैक्टर उसको खींचेगा नहीं, खींच नहीं पाएगा, तो इसके आगे आगे जाके लिख देंगे अपडेट MASS इज इक्वल टू कॉलन, ओह ये नहीं यार, ये इज इक्वल टू जो ऊपर दो वाले होते हैं, तो इसको कर देंगे फॉल्स, FALSC फॉल्स, इसको कर देंगे सेव, फाइल को कर देंगे सेव, ठीक है, सेव एज नहीं, बस सेव हो गई। इसको बंद करके फिर इन फाइलों को लेंगे, इसको कर देंगे 7zip, अगर आपके पास 7zip है तो इसको zip में ऐड कर देना, अगर ऐड टू आर्काइव है तो इस यहाँ से zip कर लेना, तो मतलब हमें zip फाइल चाहिए, rar नहीं चाहिए ना 7z चाहिए, हमें zip फाइल चाहिए, तो इनको कॉपी करके इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना और 7zip में जाके इसको कर देना ऐड टू, तो ये हमारा मोड मॉडिफाई हो गया। अब इसको हम काट के और अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे दोबारा, माई गेम भार्मी सिमुलेटर मोड्स, सॉरी मोड्स, तो यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने मॉडिफाई करा हुआ है इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। और एक मैंने करा था इसका हेडर, वो हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर भी वैसे ही होगा, मेन कंपोनेंट में जाके वर्क एरिया, उसकी वर्किंग विड्थ और वर्किंग हाइट, जैसे मैंने आपकी आपको अभी बताया सीडर का, तो सारी फाइलें ऐसे ही होंगी एडिट। XML फाइल होती है कैपेसिटी, प्राइस, नाम चेंज करने के लिए, और पीछे जो हेडर और उसकी विड्थ बढ़ानी है आपको, उसको 10 मीटर की जगह 100 मीटर का करना है, तो उसके लिए आपको .i3d फाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे होंगी एडिट फाइलें एडिट। चलो भाई इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं भाई अपनी वापस गेम के अंदर। ये आ गई हमारी गेम, और भाई मैं चैटिंग भी एक बार लगा लूँ साथ में ज़रा। हाँ भाई, तो यार सॉरी, वो पिछली ज़रा स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी, ये दूसरा पार्ट है, वो पहला पार्ट कर दूंगा मैं, उसका टाइटल चेंज कर दूंगा। तो इसने कितनी लगा दी, इसने भाई गुरु, तो भाई इसने तो काम ख़त्म कर ही दिया, लगभग हो ही गया। तो चलो मैं इनको भी करता हूँ, इसको भी, तो ये फिर इसको काटेंगे अगली बार। और मैंने आज यहाँ पर लगा दी है ये भेड़ भी, अपनी भेड़ खरीदी है मैंने आज 250, तो भेड़ हमें अब देंगी कॉटन वुल, सॉरी वुल, ये देंगी वुल। और अभी दूध भी आ गया होगा भाई, दूध तो मैंने चेक नहीं करा, अंडे एक डब्बा आया, दूध अभी देखा नहीं मैंने, आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो आ गया दूध, यहाँ मिलेगा हमें दूध। तो चलो चलते हैं फिर अपने इस पे, ये लगा रहा है हमारी क्रैनबेरी करौंदे, लाल लाल करौंदे होते हैं ना, ये करौंदे लगा रहा है। तो अगली बार काटेंगे इसको, अब मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, देखो पहले मैंने इसको कर दिया 1000 मीटर का, लेकिन अब मैंने इसको नॉर्मल सेट दोबारा कर दिया, मतलब मैंने, मेरे पास बैकअप था, मैंने बैकअप डाल दिया। यार चैटिंग में कोई आ नहीं रहा आज, क्या चक्कर है? दरअसल यार स्ट्रीम बंद हो गई थी भाई, इसीलिए हो नहीं पाया काम। ठीक है, ये इसको आगे दूसरा पार्ट, अभी चैटिंग में कोई आ नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। आज यार स्ट्रीम करी थी भाई 20-30-40 मिनट के बाद वो नेट बंद हो गया था पीछे से, पता नहीं क्या हुआ भाई। एक सेकंड आया मेरा इंटरनेट वाला आया, मैंने आज नेट कनेक्शन नया लिया है ताकि मैं अपना आराम से स्ट्रीम कर सकूं, आया एक मिनट उससे मिल के आया भाई, दो एक मिनट में आया। हाँ भी आया एक मिनट। हाँ जी
चलो भाई। अब भाई चैटिंग में कोई नहीं आ रहा, क्या बात है चैटिंग में? भाई आज कोई चैट नहीं कर रहा, तो ये हो रही है हमारी, तो ये अगली बार काटूंगा भाई इसको। अभी मैं जरा एक मिनट अपनी फाइलें वाइलें सब बंद कर दूं, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या होगा, तो आप वैसे कर लेना, एक मिनट इसको डिलीट कर दूं यार, फाइलें बहुत हो गई। हेलो हेलो दोस्तों, छे वॉचिंग नाउ। भाई पिछला पार्ट जो था वो बंद हो गया था, तो ये मैंने अब दोबारा चलाई है स्ट्रीम, क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया था भाई बीच में ही, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, लेकिन अब सही है, अब चल रही है। तो ये हमारी लग रही है हैम्प, ये लगा रहा है क्रैनबेरी क्रोंदे, वो लगा रहा है हैम्प। तो मैंने अब आज खेत आपको दिखाए थे, मैंने यहाँ से काट दिए इसको, यहाँ से काट दिए, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 फील्ड हो गए। पबजी मोबाइल लाइट भी खेलेंगे, एमी नट बाजी, एमी नट, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही था बस, ये दूसरा पार्ट हो गया भाई, एक पहला पार्ट स्ट्रीम करी थी लेकिन इंटरनेट बंद हो गया, उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया, पूरी स्ट्रीम पूरी नहीं हुई, और एडिटिंग का पहला वीडियो पिछले वाले में है और दूसरा पार्ट इसके अंदर, तो आप दोनों पार्ट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि एडिटिंग कैसे होगी। चलो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी 1:30 बज चुका है, तो उस 1:30 बजे खाना वाना खाने के बाद 2-2:30 बजे करते हैं स्ट्रीमिंग, 2 बजे या 2:30 बजे मैं करूँगा स्ट्रीम यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 नहीं खेली बहुत दिन से, आज उसमें दिखाते हैं कुछ नया सा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय। हाँ यार ये मैं कहना तो भूल ही गया, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियो आने वाले मिलते रहें, और इसके अलावा खाएं पिए स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर आपके कमेंट और चैटिंग के लिए, थैंक यू।